आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति। उत्तर प्रदेश के जालौन में काल्पिक में गोदाम में हुई चोरी के मामले में काल्पिक पुलिस ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। जालौन के काल्पिक इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह ने दलबल के साथ कस्बे में हुई चोरी की वारदात का 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। काल्पिक पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले दो शातिर चोरों को माल सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से अवैध और सलाह कारतूस बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने पुलिस कार्यालय में खुलासा करते हुए बताया कि काल्पिक थाना क्षेत्र में अखलाक अंसारी ने तहरीर सूचना दी थी कि रात में मोहल्ले के गोदाम से अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर 106 शर्ट की चोरी कर ली है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक जालौन ने घटना के सफल अनावरण के साथ अभियुक्तगणों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए काल्पिक पुलिस टीम को लगाया गया, जिसमें मुखबिर की सूचना पर आस्था ढाबा के पास से अभियुक्तगणों को चोरी के माल के साथ अवैध असलाह कारतूस के साथ पकड़ लिया। पूछताछ में चोरों ने बताया कि हम लोग नशा करते हैं और पैसे न होने के कारण शराब पीने एवं अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देना पड़ता है। हम लोग रात में कस्बा काल्पिक की एक गोदाम से ताला तोड़कर 106 शर्ट चोरी किए थे। आज हम लोग चोरी की शर्टों को बेचने के लिए जा रहे थे, तभी काल्पिक इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने दलबल के साथ हमें पकड़ लिया। के अंदर में चोरी जैसी घटना का अनावरण करते हुए शत प्रतिशत माल की बरामदगी की गई है। दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। उनके कब्जे से कुल माल जो है 106 अदद चोरी का टी शर्ट बरामद किया गया है। दो तमंचा बरामद किया गया है 315 बोर का, चार जिंदा कारतूस 315 बोर के और एक खोखा 315 बोर का बरामद कर इन लोगों के पास से पूरे माल की रिकवरी करते हुए जेल भेजा जा रहा है। आपको ये वाकयात बताना चाहूँगा कि घटना अखलाक अंसारी नामक व्यक्ति के यहाँ उनके गोदाम में 1 तारीख की 30 तारीख के रात्रि के बीच में घटना हुई थी। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।